नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। दलित मजदूर की तरफ बढ़ती हिंसा पर सीपीआई की वार्ता, जल्द उठाएगी कोई ठोस कदम। शेखपुरा अंचल कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक शेखपुरा सीपीआई कार्यालय स्टेशन रोड कार्यानंद शर्मा भवन में सीताराम मांझी की अध्यक्षता एवं जिला पर्यवेक्षक प्रभात कुमार पांडे, पार्टी जिला सचिव की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे ने कहा कि दलितों व कमजोर तबकों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा और उसमें व्याप्त डर, कोरोना के चलते गरीबों में व्याप्त भुखमरी, प्रशासन के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, राशन और केरोसिन में दिन दहाड़े लूट, मनरेगा कार्यों में मजदूर की जगह मशीन के द्वारा काम और साथ में भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, शिक्षा व स्वास्थ्य बदहाली, किसानों की कंगाली, श्रम कानूनों में संशोधन, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे अपराध को शेखपुरा जिले समेत राज्य भर में चुनावी स्टंट बताया है। इस मसले पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख मुद्दा बनाकर काम करेगी। जिला सचिव ने कहा कि शेखपुरा समेत पूरे बिहार में 243 सीटों पर महागठबंधन की मजबूत पक्ष में मजबूती से काम करेगी, एनडीए का सफाया किया जाएगा। बैठक में विधानसभा चुनाव की विस्तार से रणनीति बनाई गई। सभी शाखाओं की बैठक, गांव-गांव में सभा एवं पद यात्रा के बड़े पैमाने पर किए जाने का निर्णय लिया गया। एनडीए की नाकामियों को घर घर तक पहुँचाने का काम करने का फैसला लिया गया। बैठक में अंचल सचिव चंद्रभूषण प्रसाद, कृष्णनंदन यादव, ललित शर्मा, वीरेंद्र पांडे, दिनेश कुमार, सुविधा देवी, नरेश मांझी, नितेश कुमार, गोलू मेघन मांझी, सोमेश और कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप बनाइए, गिहरी भी बनाइए, गिहरी बहुत खाओ, गिहरी बहुत खोजता है, गिहरी बनाइए। ये लड़का जो है, इनका लड़का सूर्य सिंह का लड़का, आप कहीं भी रहिए हिंदुस्तान के कोने में, आप बनिए पार्टी मेंबर। और पार्टी मेंबर जब बनेगा तो आप अहमदाबाद रहिए, आपकी विदेश में रहिए, कांग्रेस पार्टी सब जगह। तो आपको